अब कुछ ऐसे लोग वो जानते हैं जो अपने हर मसाइल में, हर मुश्किल में दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं, दूसरी चीजों को ब्लेम करते हैं, अपने अलावा हर चीज को जिम्मेदार ठहराते हैं अपनी मुश्किलात का। बिजनेस क्यों खराब है? इसलिए कि मुल्क खराब है, गवर्नमेंट खराब है, महंगाई बहुत ज्यादा है, स्टाफ अच्छा नहीं मिलता है। मतलब ये सारे मसाइल तो हैं अपनी जगह पर, लेकिन इन सारे मसाइल को ब्लेम करेंगे तो बिजनेस इंप्रूव नहीं होगा ना। लेकिन उसकी बजाय अगर ये सोचा कि प्रोडक्ट बेहतर करते हैं, प्राइस बेहतर करते हैं, सर्विस बेहतर करते हैं, मार्केटिंग बेहतर करते हैं, तो बिजनेस बेहतर हो सकता है ना। जब दो लोगों के दरमियान रिलेशनशिप खराब होती है तो क्या होता है? ये इसको ब्लेम करता है, वो उसको ब्लेम करती है, वो कहता है सारा प्रॉब्लम उसके साथ है, वो कहती है सारा प्रॉब्लम उसके साथ है, तो कभी भी बेहतर नहीं होगा कुछ भी। लेकिन अगर इसमें से एक बंदे ने या बंदी ने कहा कि यार मुझे कुछ चेंज करना होगा, मुझे कुछ मुख्तलिफ करना होगा, एक्सेप्ट कर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने वाला हूं, तो चांस हो जाएगा ना कि हम क्या चीज बेहतर कर सकते हैं। हेल्थ एंड फिटनेस क्यों खराब है? तो वेट क्यों बढ़ रहा है? इसलिए के जीन्स ही ऐसे हैं, इसलिए के खाना टाइम पे नहीं मिलता है, इसलिए के एक्सरसाइज करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो हर चीज को ब्लेम कर दिया तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर एक्सेप्ट किया कि कुछ चेंज करना होगा, अपनी हेल्थ फिटनेस बेहतर करनी है तो एक्सरसाइज का टाइम निकालना होगा। वो कौन निकालेगा? हम निकालेंगे। अपनी डाइट न्यूट्रिशन को बेहतर करना होगा, क्या खाना है, कितने बजे खाना है, उसको कंट्रोल करना होगा, सोने का टाइम, उठने का टाइम बेहतर करना होगा, तो चांस है ना कि हेल्थ एंड फिटनेस बेहतर हो जाएगी। तो किसी भी लाइफ के एरिया में, रिलेशनशिप हो, काम हो, बिजनेस हो, हेल्थ एंड फिटनेस हो, अगर जब तक हम ब्लेम करते रहेंगे दूसरों के ऊपर, ये नहीं कह रहा कि दूसरों की कोई गलती नहीं हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन फोकस उन फैक्टर्स पे करना है जो हमारे अंदर है। अपने अंदर देखना है कि हमें क्या चेंज करने की जरूरत है, हमें कैसे बेहतर होने की जरूरत है। हम बेहतर होंगे तो हमारी रिलेशनशिप बेहतर होगी, हमारा काम बेहतर होगा, हमारा बिजनेस बेहतर होगा, हमारी हेल्थ एंड फिटनेस बेहतर होगी, हमारा हैप्पीनेस लेवल बेहतर होगा। बस मंडे विद मुश, यही था आज का मौजू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।